इस वक्त हम खोपड़ी की जगह पर आ गए हैं, जिसे खोपड़ी की जगह कहा जाता है। ये खुदाबंद यीशु मसीह की कब्र है, जहां उनकी बॉडी को रखा गया। मैं सामने से जाऊंगा ताकि आप उसको, उसके डोर को देख सकें। इन सीढ़ियों से मैं जाऊंगा। ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं, ये दरवाज़ा है यीशु मसीह की कब्र का। और जब मैं इसके अंदर जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये कब्र जो है, ये गवाही है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ज़िंदा है और वो कब्र में नहीं है। ये पत्थर है जो कब्र के सामने रखा गया था, उन्होंने एक साइड पे इसको रखा हुआ है। ये वही पत्थर है जो कब्र के सामने रखा गया था। गेबी, लेट्स गो इन। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। ये वो कब्र है जहाँ पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ ताला लगा हुआ है, इससे आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं। और इस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह की बॉडी को रखा गया। मैं थोड़ा ऊपर से दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पर ये जगह है जहाँ पर बॉडी को रखा गया। मेरी कोशिश है कि मैं आपको पूरी कब्र दिखा सकूं। फिर एक बार आपको दिखा रहा हूं, ही इज़ नॉट हेयर फॉर ही इज़ रिजन। ये राइजन, ये हमारी खुदावंद यीशु मसीह की खाली कब्र है, जो कि इस बात की गवाही है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा हो चुका है। मैंने बड़ी कोशिश की कि आपको दिखा सकूं, जो हमारे बहन भाई पाकिस्तान से इतनी दूर नहीं आ सकते, ये उनके लिए मेरी छोटी सी कोशिश है।